यून के लिए बताऊंगा, बवासीर वालों के लिए। देखो बवासीर पे मैं पहले भी बहुत वीडियो डाले हैं, लोग करते नहीं हैं, पहले ही फ़ोन करते हैं। पहले इस उपाय को करिए, जब ठीक ना हो तब मुझे कॉल करें। देखो एक बहुत अच्छा उपाय बता रहा हूँ, इसके वीडियो मैंने पहले भी डाले हैं। ये देखिए भृंगराज है, इसे घमरा भी बोलते हैं, भृंगराज भी बोलते हैं, टूनी भी बोलते हैं, संजीवनी बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। जिन भाइयों को खून आ रहा बवासीर का, रुक नहीं रहा है, उनके लिए बहुत अच्छा उपाय बता रहा हूँ। उनको क्या करना चाहिए, इसके पत्ते ले आएँ, पत्ते ला करके धो लें, धोने के बाद इनको बारीक पीस लें। पीसने के बाद इसमें एक चम्मच आपको भाइयों मिश्री डालनी है, धागे वाली डाल करके सुबह खाली पेट पी लें। और इसे पीने के बाद भाइयों एक घंटे तक कुछ खाना नहीं है, इसी तरह शाम को खाली पेट पी लें। इसे पीने के बाद एक घंटे कुछ खाना नहीं है। आप इस प्रक्रिया को 3 दिन करेंगे, 3 दिन के अंदर खून आना पूरी तरह से बंद हो जाएगा। और जिनके मस्से लटके हैं भाइयों, उनको क्या करना है, इसे तोड़ के ले आएँ, धो लें, इसे पीसें। पीसने के बाद इसमें आधा चम्मच अरंडी का तेल डालना है। अरंडी का तेल मिला करके जहाँ बवासीर हो रहा है, मस्से लटक रहे हैं, सूजन आ रही है, उस पर रात को सोते समय बांधना है इसको। और भाइयों इसको लगातार 7-8 दिन बांधना, आप देखेंगे आपके मस्से वहीं सूख जाएंगे। जो सूजन थी, सूजन तो 3 दिन के अंदर पूरी तरह ठीक हो जाएगी। भाई मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, लाइक करिए, शेयर करिए, फॉलो जरूर करिए। धन्यवाद।